हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। एज यू ऑल वेल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ अपनी एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट यहाँ से डबल बॉटम के बाद बाय हो सकती है, तो मार्केट ने डबल बॉटम की रिटेस्टिंग नहीं दी और बाय नहीं गई। तो अब ये सिचुएशन थी, मैंने कहा था अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती तो मार्केट अगेन नीचे देखेंगे, और मार्केट ने वही किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया और वापस नीचे आ चुकी है। अब जो सिचुएशन है मार्केट इस टाइम, ये सिचुएशन है कि यहाँ से 1952 से अगेन ये भाई का मोमेंटम बना सकती है। मैं आपको वन साइडेड ट्रेड इसलिए कंसीडर करता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। टू साइडेड ट्रेड्स तो हर कोई कंसीडर कर रहा होता है, लेकिन आई एम ओके विद माय एनालिसिस, तो इसलिए मैं आप लोगों को वन साइडेड ट्रेड कंसीडर करता हूँ। जब इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देगी मार्केट, तो फिर हम मार्केट को बाय के अंदर देखेंगे। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो इधर तक और इधर तक। आज के दिन हमें यही लगता है क्योंकि DXY की जो सिचुएशन है वो बाय कभी बना रहा है, कभी सेलिंग की बना रहा है। तो अगर DXY सेलिंग आ जाए तो गोल्ड ऑटोमेटिकली बाय की तरफ चला जाएगा। तो गोल्ड को हम पहले थोड़ा सा नीचे 1952 की तरफ, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है 1946 को, तो फिर हम बेधड़क होके 54-53 के SL रख के नीचे ट्रेड ले लेंगे 1929 तक की। तो US ऑयल को जैसे कि मैं आप लोगों को कितने दिनों से कह रहा हूँ कि इसको बाय के अंदर देखो, और हमें ये बाय के अंदर ही नज़र आया है US ऑयल। यहाँ तक अब हम देखेंगे 75.00 तक, मैं आपको कह रहा हूँ US ऑयल को हम देख सकते हैं। तो अभी बाय के अंदर ही देखें, उसके बाद फिर इसको आप सेलिंग मोमेंटम में देख सकते हैं अगर ये 76 को ब्रेक नहीं करते। था यूरो यूएसडी वही सेम सिचुएशन गोल्ड के साथ साथ, गोल्ड का भाई यहाँ से अगर ऊपर जाए, गोल्ड अगर ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा फिर वापस ट्रेंड लाइन के साथ साथ ही, क्योंकि आजकल गोल्ड और ये ट्रेंड लाइन के साथ साथ ही चल रहे हैं। GBP USD की ये सिचुएशन है कि GBP USD भी थोड़ा सा नीचे आके फिर अगेन बाय का मोमेंटम बना सकता है अगर गोल्ड बाय का मोमेंटम बनाता है। ऑल करेंसीज डिपेंड ऑन गोल्ड, गोल्ड को देखें और सबको देखें। USD JPY सेलिंग मोमेंटम बना रहा है, इसका मतलब DXY भी सेलिंग मोमेंटम बनाएगा और गोल्ड बाय का मोमेंटम बनाएगा, यूरो USD भी बाय का मोमेंटम बनाएगा। तो इतना ज़्यादा बाय का मोमेंटम नहीं बनेगा यहाँ से, ज़्यादा गया तो गोल्ड 1966-67 तक जाएगा, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। इस ट्रेंड लाइन को हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है। और बाकी जो मेजर करेंसीज है उनके बारे में आपको पता चल ही जाता है गोल्ड को देख के। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी। अगर आप लोग मेरे से एनालिसिस सीखना चाहते हैं या मेरे से सिंगल्स चाहिए आप लोगों को, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट टू नीड एनी टाइप ऑफ सिंगल एनालिसिस क्लासेस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।